चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार का पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पारित करने के बाद हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर के किए गए दावे पर निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसी कड़ी पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। को लेकर पंजाब विधानसभा द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके रिएक्शन में आकर हरियाणा विधानसभा ने विशेष सत्र का आज जो है बुलाया गया था, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, किस तरीके से देखते हैं पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर जो रेजोल्यूशन? पहले कई बार ऐसे प्रस्ताव पास कर चुके, उससे क्या लेना देना, वो तो उनका राजनीतिक जुमला है। हरियाणा के तीन मुद्दे हैं, पानी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, राजधानी है। पानी का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन करना है। SYL खुद नहीं है, हरियाणा को अपना हिस्सा लेंगे। तो इन मुद्दों के लिए जहां हरियाणा का हिस्सा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तब एक होकर लड़ेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो किस तरीके से देखते हैं, अगर हम बात करें कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे उसको? वो तो अभी सरकार बनी है, सब अपना अपना राजनीतिक काम करते हैं, हमारा तो हरियाणा के हित का मतलब है। कब तक जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो उसके लिए हम बात करेंगे। आज प्रस्ताव भी किया, हमने बात भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि हरियाणा के हितों के लिए सभी राजनीतिक दल एक स्वर में एक साथ खड़े होकर जो है वो इस रेजोल्यूशन का विरोध करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।